हेलो एवरीवन, बेसिक्स ऑफ जीएसटी का ये सिक्स्थ पार्ट है। पहले पांच पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें मेनली हम लोगों ने बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी डिस्कस किया, चार्जिंग सेक्शन डिस्कस की हम लोगों ने, सप्लाई का मीनिंग डिस्कस किया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने रिवर्स चार्ज डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ये जो सीरीज है बेसिक्स ऑफ जीएसटी की, उसमें हम लोग सिर्फ नॉर्मल जो प्रोविजंस है उसको सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कंपोजिशन स्कीम के बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, तो अगर कोई कंपोजिशन स्कीम के बारे में डिटेल या तो फिर एनालिटिकल चीजें जानना चाहता है उसके लिए वो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। पर आज का जो टॉपिक होगा उसमें सिर्फ सिंपल चीजें जो है कंपोजिशन स्कीम के बारे में उसको हम लोग समझेंगे। मेरे ओपिनियन में दोस्तों जीएसटी को कॉम्प्लिकेटेड माने जाने का रीजन जो है उसमें सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 का रोल बहुत बड़ा है। ये जो सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 जो है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको लेने की कंडीशंस कुछ हैं जो एक्ट में दी गई है, उसमें कुछ क्रेडिट्स ब्लॉक्ड हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो इतनी सारी कंडीशंस उसमें हैं और इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 तक कि जिसकी वजह से जीएसटी कंप्लायंसेस काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं जिनका टर्नओवर कम रहता है तो उनके लिए ये सारी चीजों को कंप्लाई करना, रिटर्न्स को मंथली फाइल करना, सामने वाले सप्लायर ने अपने रिटर्न्स अपलोड ठीक से किए हैं कि नहीं उसके कंडीशन पे अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है। तो इसका एक सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने ये निकाला कि अगर जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं वो अपनी मर्जी से एक ऐसी स्कीम में जाए कि जिसमें वो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के राइट को फर्गो कर दे, उस राइट को छोड़ दे जो सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 है, उसमें कोई भी चीज उनको एप्लीकेबल होगी ही नहीं, उनको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी नहीं है और जो नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी है जो है 5%, 12%, 18% और 28% उसकी बजाय रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स से वो पेमेंट कर दे तो उनके लिए चीजें काफी सिंपल हो जाएगी। अब इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम जो है उसके बारे में हम लोग एक चीज अच्छे से समझेंगे कि ये अलग चार्ज क्रिएट करती है सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये जो सेक्शन है वो इस तरीके से शुरू होती है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट कॉन्ट्रारी इन द एक्ट, मतलब कि अगर कोई भी चीज इससे कॉन्ट्रारी एक्ट में है तो उसको हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो रिवर्स चार्ज की सेक्शन है 9(3) और 9(4) उसको ये सेक्शन 10 ओवरराइड नहीं करेगी। मतलब कि अगर आप कंपोजिशन में हैं फिर भी रिवर्स चार्ज में जो आपको टैक्स का पेमेंट करना है वो तो आपको करना ही है। तो ये जो ओवरराइडिंग सेक्शन 10 है वो हमको क्या बोलती है, ये बोलती है कि आपकी मर्जी से, गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, गवर्नमेंट आपको कंपल्सरली कंपोजिशन में जाने को नहीं बोल रही है, आपकी मर्जी से अगर आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो राइट है उसको फर्गो करते हैं तो हम आपको एकदम सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर में ले जाएंगे जिसमें आपको रिड्यूस रेट से पेमेंट करना है, नॉर्मल रेट से पेमेंट नहीं करना है। रिड्यूस रेट कितना है, तो रिड्यूस रेट है 1%। लेकिन अगर फूड सप्लाई वाली जो सर्विस है उसको भी कंपोजिशन में कवर किया है उसमें 5% है। तो ज्यादातर हम लोग अभी फूड सप्लाई को साइड में रखते हैं क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी काफी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो नॉर्मल 1% से आप टैक्स पे कर दो, अपना जो टर्नओवर है उसका 1% टैक्स आप पे कर दो, नॉर्मल टैक्स रेट से आप पेमेंट मत करो, किसी भी चीज की इनपुट टैक्स रेट आप मत लो, तो आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में आपको आईटीसी लेनी नहीं है और दूसरी चीज जो 1% आपके टर्नओवर के ऊपर आप भरेंगे वो आपको अपने कस्टमर के पास से कलेक्ट नहीं करना है, मतलब कि 1% जो टर्नओवर का है वो मुझे अपनी जेब में से पे करना है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है कंपोजिशन स्कीम का। कौन कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है, तो यहां पर बोला गया है कि जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं है, ही इज अ पर्सन हु कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। मतलब ऐसे छोटे टैक्स पेयर कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ रुपए से कम है वो इस साल कंपोजिशन को ऑप्ट कर सकते हैं, नॉर्मल रेट से पे करने की बजाय 1% से वो पे कर सकते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग किसको बोलते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है कि उसमें सारे सप्लाईज आ जाते हैं, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, हर चीज का आपको टोटल करना है और एक पान के अंदर अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए हैं मैंने तो सारे जितने भी रजिस्ट्रेशन है मेरे उन सबका टोटल करना है, उन सबके टोटल टर्नओवर
कि फिगर जो है वो 1.5 करोड़ से नहीं बढ़नी चाहिए, देन आई कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में हम लोग देखेंगे कि एक ही पान में हम लोग अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, और अगर अलग अलग स्टेट से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हर एक स्टेट में अलग अलग नंबर लेना हमारे लिए कंपलसरी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में इन सारे रजिस्ट्रेशन का हम लोग टोटल करते हैं, एंड इफ इट इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़ रुपीज, देन यू कैन गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो जितने भी रजिस्ट्रेशन है उनको हम लोग अलग अलग पर्सन गिनते हैं और उन सबको कंपोजिशन में ऑप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन मेरे पास एक ही पान में है, कुछ उसमें से रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन ले रहे हैं, कुछ कंपोजिशन को ऑप्ट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। सारे के सारे रजिस्ट्रेशन को कंपोजिशन ऑप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर 1.5 करोड़ से जो टर्नओवर है वो एक्सीड हो जाता है तो फिर मेरे लिए कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं रहेगा, मुझे तुरंत ही नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। कंपोजिशन में ऑप्ट करने की कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है कि कुछ लोग कंपोजिशन में ऑप्ट नहीं कर सकते, जैसे कि किसी का अगर इंटर स्टेट सप्लाई है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ऐसे पर्सन कंपोजिशन में नहीं जा सकते। दूसरा, कोई आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद में कोई एरेटेड वाटर का बिजनेस करता है, उसके बाद में कोई टोबेको मैन्युफैक्चरर है, ऐसे कुछ गुड्स हैं जिनको उन लोगों ने नेगेटिव लिस्ट में रखा है कि अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर्स हो देन यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, भले ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो भी आप लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, ऐसा लिस्ट उन लोगों ने दिया है। दूसरी चीज उन लोगों ने बोली है कि अगर आप कंपोजिशन में जा रहे हैं तो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए और वो भी इंटरेस्टेड। अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो उसमें लिमिट उन लोगों ने दी है कि पिछले साल का जो टर्नओवर है उसका 10% या तो फिर 5 लाख रुपीज, दोनों में से जो हायर है उतनी अमाउंट की सर्विस आप दे सकते हैं, उससे ज्यादा अमाउंट की सर्विस आप नहीं दे सकते। तो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन वायोलेट होती है, आपने इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया, या तो फिर 1.5 करोड़ रुपए से आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया है, या तो फिर सप्लाई ऑफ सर्विस जो है उसकी जो लिमिट है कि 5 लाख रुपए या तो 10% पिछले साल के टर्नओवर का, उसको एक्सीड कर दिया है, ऐसी सिचुएशन में यू आर नॉट द पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। दूसरी चीज हम लोगों ने यह समझी कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ना तो ले सकते हैं, ना तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आप कस्टमर के पास से ये पेमेंट जो है जीएसटी का वो कलेक्ट ही नहीं कर रहे, अपनी जेब में से पे कर रहे। दूसरा बेनिफिट कंपोजिशन स्कीम में जाने से ये होता है कि मंथली आपको जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है, हर क्वार्टर में पेमेंट करना है, तो पेमेंट का जो ड्यूरेशन है वो मेरा बढ़ जाता है, मंथली मंथली पेमेंट करने की जगह पर मैं क्वार्टरली उसका पेमेंट करूंगा, तो ये भी एक बेनिफिट है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इस वीडियो में सिर्फ सिंप्लीफाइड कंपोजिशन स्कीम को हम लोगों ने समझा है, अगर किसी को एनालिटिकल और डिटेल्ड एकदम इसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो 12th ऑफ मार्च 2021 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है कंपोजिशन स्कीम का, आप उसको देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने कंपोजिशन स्कीम के जो वीडियो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, सो यू कैन जस्ट गो एंड वेरीफाई दैट वीडियो। फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ जीएसटी का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्चुअली क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।